एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार पंचायत चुनाव 2021 में जितने भी हमारे कर्मी कार्य में लगाए जाएंगे, जैसे P1, P2, P3, P3B, P3C, यानी चार के जगह पर अब छह कर्मी कार्य करेंगे एक टीम में। तो उससे संबंधित मैंने ये वीडियो बनाया है कि आखिर उनका कार्य क्या है, तो देखेंगे वीडियो को विस्तार से। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। तो आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है और विस्तृत में जानकारी देने वाला हूँ। आपके मतदान केंद्र पर मतदान के दक्ष और सुचारू संचालन रूप से आपको उस प्रक्रिया से भली भांति परिचय होना चाहिए जो मतदान केंद्र के मतदान केंद्र में प्रवेश करने से लेकर उसके मत डालने के पश्चात उसे छोड़ने तक समय समय पर अपनाई जाने वाली उक्त प्रक्रिया आपके तथा अन्य पदाधिकारियों के सम्मिलित प्रयास से ही सम्यक रूप से पूरी की जा सकती है। विदित हो कि इस बार निर्वाचन में ईवीएम तथा मत पेटी का भी एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। इस स्थिति में ध्यान रखते हुए आवश्यक है कि पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी को अपने दायित्व को बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वहन करना है। मतदान अधिकारियों के बीच कर्तव्यों का विस्तृत विवरण कुछ इस प्रकार हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि प्रथम मतदान पदाधिकारी का क्या कार्य है उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम मतदान पदाधिकारी से मिलता है। अधिकारी निर्वाचन नियमावली की चिन्हित प्रति उनके पास रहती है। उपलब्ध कराए गए कागजातों के आधार पर निर्वाचकों के पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। फोटो युक्त मतदान की चिन्हित प्रति सभी मतदान के मामले में एक क्रॉस चिन्ह अंकित किया जाएगा तथा महिला मतदाता के मामले में मतदाता क्रमांक को गोल घेर दिया जाएगा, यानी सर्कल के रूप में उसको घेर दिया जाएगा। साथ ही प्रथम मतदान प्राधिकारी सूची में मतदाता के अनुक्रमांक नाम एवं अन्य विशिष्टियाएं जोर से पढ़कर सुनाएं ताकि मतदान अभिकर्ता अपने मतदाता सूची में उन्हें चिन्हित कर सके। इसके अतिरिक्त प्रथम मतदान पदाधिकारी पंच एवं सरपंच पद के निमित मतपत्रों का प्रभावी होगा। वह उन मतपत्रों के टिप्पणों पर मतदान का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान प्राप्त करेगा एवं उन पर मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा। वह प्रति पूर्ण पर मतदाता की पहचान का आधार निर्वाचन फोटो पहचान पत्र अथवा अन्य निर्धारित दस्तावेज भी अंकित करेगा। तत्पश्चात उक्त दो मत पत्रों के द्वितीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करेगा। अब द्वितीय मतदान पदाधिकारी का क्या कार्य है इसको हम देखेंगे। पहले मतदान पदाधिकारी का तो हम लोग देख लिया कि क्या कार्य है, अब द्वितीय मतदान पदाधिकारी को क्या करना है। सबसे द्वितीय मतदान पदाधिकारी अमित स्याही मार्कर का प्रभावी होगा। वह निर्वाचन की बाएं हाथ की तर्जनी निरीक्षण करेगा कि इस पर अमित स्याही मार्कर का कोई चिन्ह या संकेत पहले से तो नहीं है, और तब नाखून के मूल के ऊपर अमित स्याही यानी मार्कर का चिन्ह इस तरह लगाएं कि वह त्वचा और नाखून के बीच रीज पर फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट तीन रह जाए।
द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर का भी प्रभारी होगा। वह उसी रजिस्टर में उन निर्वाचनों के उचित लेखा रखने की भी उत्तरदायी होगा जिसकी पहचान हो चुकी है और जो मतदान केंद्र मत डालते हैं वह प्रत्येक निर्वाचन में उन्हें मत देने की अनुमति मिलने से पहले उस रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान करेगा। साथ ही द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त करने के पश्चात संबंधित मतदाता को मतदाता पर्ची निर्गत करेगा और तत्पश्चात वह प्रथम मतदान पदाधिकारी से प्राप्त दो मत पत्रों को तृतीय मतदान पदाधिकारी यानी P3A को हस्तगत करेगा तथा मतदाता पर्ची मतदाता को उपलब्ध कराएगा। अब ये तो था दूसरे मतदान पदाधिकारी का कार्य। अब तृतीय मतदान पदाधिकारी, कुछ कर्मी इसमें बढ़ गए हैं तो तृतीय मतदान पदाधिकारी यानी P3A, इसमें P3A और P3B और P3C हो गए हैं। तो तृतीय मतदान अधिकारी संख्या 3 होगी, यथा मतदान अधिकारी 3A, मतदाता अधिकारी 3B एवं मतदाता अधिकारी 3C। इनका कार्य है तृतीय मतदान अधिकारी P3A प्लास्टिक वोट सिस्टक का प्रभावी होगा। वह द्वितीय मतदान पदाधिकारी से पंच एवं सरपंच पदों से संबंधित प्राप्त मत पत्रों को मोड़ने पर मत देने की प्रक्रिया को मतदाताओं को अवगत कराएगा। तृतीय मतदान पदाधिकारी को दो पत्रों को अलग अलग पहले खड़ा और उसके बाद क्षैतिज रूप से इस तरह से मोड़ेगा कि मत पत्र की पीठ पर दाहिने ओर किनारे पर दिया गया प्रभेदक चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े। इसके बाद मतदाता को खोलकर मत पत्र देगा तथा मतदाता को चिन्हित करने वाली मुहर यानी वोटिंग स्टिक देगा। उसके बाद मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने को कहेगा। मतदाता अपना मत देने के लिए मतदान कक्ष में जाएगा, वहां स्याही युक्त स्टाम्प पैड रखा रहेगा जिससे मतदाता मत पत्र को चिन्हित करेगा और मतदाता अपना मत देने के बाद मत पत्र को दोबारा उसी तरह मोड़कर जैसे कि मत देने से पूर्व वह मुड़ा हुआ था मतदाता मोड़कर बॉक्स में डाल देगा और उसके बाद वह बाहर निकल आएगा। सील मत पेटी में उक्त पदों को दो मत पत्र डालेगा। सील मत पेटी पीठासीन पदाधिकारी के पास रहेगा। एक समय में एक ही मतिका रहेगी तथा उससे भर जाने के बाद ही दूसरी मत पेटी प्रयोग में लाई जाएगी। कोई मतदाता किसी मत पेटी को मत पत्र को मतदाता केंद्र से बाहर नहीं ले जा सके। इसके लिए आवश्यक है पीठासीन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता द्वारा सभी दो मत पत्र को मत पेटिका में एक के बाद एक अलग अलग करके डाल दिया गया है। यदि कोई मतदाता सभी मत डाले बिना मतदान केंद्र से बाहर हो जाए तो उसे पुनः मतदाता करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। अब तृतीय मतदान पदाधिकारी P3B मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे तथा तृतीय मतदान अधिकारी P3C पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। तृतीय मतदान अधिकारी केवल द्वितीय मतदान अधिकारी एवं निर्गत मतदाता पर्ची के आधार पर ही उस पर्ची के प्रदर्शित क्रम संख्या के अनुसार निर्वाचन को मतदान कोष्ठ में जाने की अनुमति देगा। तृतीय मतदान पदाधिकारी P3B
मतदाता के पर्ची प्राप्त कर मतदाता को ईवीएम से मतदान करने हेतु अनुमति प्रदान करेगा। इसके लिए P3B मतदाता पर्ची के बगल में बैठे तृतीय मतदान पदाधिकारी P3C को उक्त पर्ची हस्तांतरित करेंगे। उसके आधार पर P3C कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दोबारा अन्य दो पदों के लिए मतदान करने हेतु अनुमति देंगे। P3C ही मतदाता पर्ची की सुरक्षित संधारण करेंगे। तृतीय मतदान पदाधिकारी को अपने कंट्रोल यूनिट के साथ पीठासीन पदाधिकारी के नज़दीक बैठना है ताकि पीठासीन पदाधिकारी कंट्रोल यूनिट और मतदान प्रक्रिया को देख सकें। इस तरह सभी का कार्य करना। आशा है कि जिस ढंग से मैंने समझाया है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। या किसी भी तरीका का प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अन्य साथी के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।